हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत, वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नीट 2025 में स्टैंडर्ड 11th यूनिट 1 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। और आज जो है वो है हमारा द लिविंग वर्ल्ड का डे 1। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड स्टैंडर्ड 11th। नाउ ये जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, बट हर साल नीट की एग्जाम में इस चैप्टर में से अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स के अगर इसका वेटेज हम देखते हैं तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और चैप्टर काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट इज़ द बेसिक चैप्टर, इट इज़ द बेसिक चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का आपका बेसिक चैप्टर है बेटा। यहाँ पे जैसे कि अगले 2 साल आप बायोलॉजी पढ़ने वाले हो, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो किसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? जैसे अलग अलग तरह के जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अल्गी है, फंगाई है, फंजाई है, प्लांट है, एनिमल्स है, तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, तो ये सारे जो अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनको हमने अलग अलग ग्रुप में क्यों रखा हुआ है? क्यों हमने बैक्टीरिया को प्लांट से अलग किया हुआ है? तो यहाँ पे वो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइफ, लाइफ की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को। तो फर्स्ट हम देखते हैं लिविंग वर्ल्ड। अब जैसे लिविंग, किसको हम लिविंग बोलेंगे, किसको हम जिंदा बोलेंगे? तो एक हमारा जो आइडिया आता है, मीन्स कि हम किसको लिविंग बोलते हैं, कि जिसके अंदर लाइफ होती है, मेरे अंदर जिंदगी है, इसके लिए मैं जिंदा हूँ। सो नाउ व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बेटा। इसको अगर हम स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अलग आंसर आता है, बट बींग अ बायोलॉजी स्टूडेंट इसकी एक बायोलॉजिकल हम डेफिनेशन देखते हैं कि भाई मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा हो, हमारे आजू बाजू जो लोग हैं, जो एनिमल्स है, जो प्लांट है, वो लोग जिंदा है क्योंकि उनके अंदर, उन सबके अंदर लाइफ है, उन सबके अंदर लाइफ है। सो व्हाट इज लाइफ, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज लाइफ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ बेटा क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो अगर हम लाइफ की बायोलॉजिकल डेफिनेशन देखते हैं, बायोलॉजिकल डेफिनेशन, तो लाइफ कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। लाइफ मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, आपका एमिनो एसिड से, तो ये जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है, ये जो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, सो लाइफ कैन बी डिफाइंड एज द यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू केमिकल रिएक्शन। ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये अपने आप को केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, विच लीड्स टू रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, होमियोस्टेसिस, इवोल्यूशन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारी लाइफ की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। वापस मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ बेटा। तो लाइफ कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस देम थ्रू केमिकल रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शन विच लीड्स टू रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, इवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, होमियोस्टेसिस एक्सेट्रा इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जैसे देखो बेटा कि मेरे अंदर, हम सबके अंदर, हम सबके बॉडी के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का आप एग्जांपल ले सकते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड एक्सेट्रा। ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर है,
और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है, हम ग्रो करते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसको ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ते हैं और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट उसके लिए। तो इसको हम बोलते हैं बेटा लाइफ। क्या बोलते हैं? लाइफ। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, आप लिख भी सकते हो बेटा। तो लाइफ कैन बी डिफाइंड, लाइफ कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। सो दे दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एक्सप्रेस themselves through chemical reaction, means कि ये जो complex molecule है, these complex molecule हमारी body के अंदर chemical reaction करते हैं और इस chemical reaction की वजह से so which leads to हमारी body के अंदर excretion होता है, reproduction होता है, हम हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, इवोल्यूशन होता है, एक्सक्रिएशन होता है, रेस्पिरेशन। सो दिस इज कॉल्ड अ लाइफ, इसको हम बोलते हैं लाइफ। चलो ये तो हो गया कि भाई लाइफ। अब जैसे देखो बेटा कि हमारी जो अर्थ है यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म है। एक है हमारे लिविंग, मीन्स कि अगर देखा जाए तो दो तरह की थिंग है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। दो तरह की चीजें हैं बेटा हमारी अर्थ के ऊपर, ऑन अवर अर्थ देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स ऑन अवर अर्थ। दो तरह की चीजें हैं। अब देखो बेटा कि ये जो लिविंग है, समझो कि लिविंग में हम एग्जाम्पल लेते हैं एनिमल्स का, एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिए क्योंकि ये जो है ना ये आपकी स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक बायोलॉजी के नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ना, यू मस्ट नो कि किसको हम लिविंग बोलेंगे, किसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे, राइट। चलो तो जैसे लिविंग में हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा एनिमल्स, नॉन लिविंग में किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कोल, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं वॉटर एक्सेट्रा। तो अब देखो जो एनिमल्स है, जो कोल है, जो वाटर है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, इनके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ले लो और कोई भी नॉन लिविंग थिंग ले लो, तो कुछ कॉमन होता है कि भाई इनके अंदर, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। लिविंग के अंदर भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन। हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन है, हमारे बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन है, हमारे बॉडी के अंदर भी हाइड्रोजन है, हमारे बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजन है। और जो कोल है, कोयला है, जिसको जला के हम खाना पकाते हैं पहले के जमाने में, तो ये जो कोल है इसके अंदर भी कार्बन है। अब वाटर का एग्जाम्पल ले लो, वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो डिफरेंस क्या है? एलिमेंट्स तो, बेसिक एलिमेंट तो दोनों के अंदर सेम है, सो फिर डिफरेंस क्या है? व्हाई वी आर लिविंग, व्हाई दे आर नॉन लिविंग? ये बोर्ड हमारा नॉन लिविंग है जबकि आई एम अ लिविंग, सो क्या डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड दिस वाइट बोर्ड? सो व्हाट इज द डिफरेंस? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या डिफरेंस है। तो बेटा देखो, कुछ बेसिक कैरेक्टर से, कुछ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक से जो लिविंग के अंदर पाए जाते हैं बट नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते, कुछ बेसिक कैरेक्टर से, कुछ ऐसे, कुछ मेरी बॉडी के अंदर, कुछ आपकी बॉडी के अंदर, कुछ प्लांट के अंदर, कुछ हमारे आजू बाजू जो एनिमल है उनके अंदर कुछ न कुछ बेसिक कैरेक्टर से जो नॉन लिविंग में नहीं है बेटा। ये बेसिक कैरेक्टर के बेस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। सिंपल सा है कि ये जो बेसिक कैरेक्टर है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज बेसिक कैरेक्टर्स वी कैन डिफरेंशिएटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल। तो ये कौन से कैरेक्टर से, कौन से ऐसे कैरेक्टर से कि जिसके बेस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आप हेडिंग डाल सकते हो बेटा,
के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कौन से कैरेक्टर है लिविंग थिंग के अंदर। तो फर्स्ट जैसे हमारा कैरेक्टर्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर लिविंग के अंदर होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, तो फर्स्ट कैरेक्टर होगा हमारा ग्रोथ। फर्स्ट कैरेक्टर बेटा क्या होगा? ग्रोथ। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज अ ग्रोथ। तो देखो बेटा ग्रोथ, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो कि जब हमारा जन्म होता है तब हम छोटे से होते हैं, समझो इतने होते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे मतलब के टाइम पास होता है, वैसे वैसे हम ग्रो करते हैं, हमारा वेट बढ़ता है, हमारी हाइट बढ़ती है। या तो समझो कि आपने जो आपका मतलब बैकयार्ड है वहाँ पे आपने कोई प्लांट लगाया हुआ है, छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है, जैसे जैसे टाइम जाएगा ये प्लांट धीरे 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 बड़ा होता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, जबकि नॉन लिविंग ग्रो नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो कि ये जो व्हाइट बोर्ड है ये ग्रो नहीं करेगा, ये इतना ही इतना रहेगा साइज में, ये ग्रो नहीं करता है। तो ये एक बेसिक कैरेक्टर है ग्रोथ, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, सिंपल। इसके लिए हम उसको लिविंग बोलते हैं और इसको नॉट लिविंग। मुझे क्यों लिविंग बोलेंगे? क्योंकि मैं ग्रो करता हूँ, मेरी हाइट बढ़ेगी, मतलब कि मेरा वेट बढ़ेगा, जबकि व्हाइट बोर्ड ग्रो नहीं करता है, इसके लिए इसको लिविंग बोलते हैं। अब देखो बेटा कि ग्रो का मतलब क्या होता है, तो ग्रोथ का मतलब होता है आपका इंक्रीज इन बायोमास, इंक्रीज इन बायोमास एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो ये जो दो कैरेक्टर है, सो दीज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ के कैरेक्टर है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो उसका बायोमास इंक्रीज होगा, उसकी साइज इंक्रीज होगी, मतलब मेरा वेट भी बढ़ेगा, मैं ऐसे भी मोटा भी होऊंगा ना, और मेरी हाइट भी बढ़ेगी, जबकि मेरी हाइट तो छोटी है, तो हाइट भी बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन बायोमास एंड इंक्रीज द साइज ऑफ इंडिविजुअल, ये दो कैरेक्टर्स है। अब देखो बेटा के जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो, हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट का, कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सो इनके अंदर ग्रोथ जो होता है वो सेल डिवीजन से होता है, सेल डिवीजन एनिमल के अंदर भी, जैसे कि ये सेल डिवीजन प्लांट के अंदर होगा बेटा, एंड एनिमल्स, जो हायर एनिमल्स है उसकी हम बात करते हैं। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन से होता है, सेल डिवीजन से होता है, क्योंकि हम लिविंग है। बट कुछ बेसिक डिफरेंट है प्लांट और एनिमल्स के अंदर, दोनों ग्रो करते हैं। बट ये आपको डिफरेंस में भी पूछा जाता है कि एनिमल और प्लांट में जो ग्रोथ होता है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो बेटा प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो इनडेफिनाइट होता है, मीन्स के अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। जब तक प्लांट जिंदा रहता है तब तक प्लांट के अंदर ग्रोथ होता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि आपने कोई प्लांट लगाया, समझो कि मैंगो का प्लांट लगाया, अब मैंगो का प्लांट जब तक जिंदा रहेगा, जब तक लिविंग रहेगा तब तक उसके अंदर ग्रोथ होगा। समझो कि उसका कोई ब्रांच टूट गई तो नई ब्रांच आ जाएगी। जबकि एनिमल में जो ग्रोथ होता है ना वो लिमिटेड होता है, एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है, अप टू सर्टेन एज, कुछ एज तक होता है। जैसे मेरे अंदर जो ग्रोथ होगा वो कुछ एज तक होगा, 15 साल, 18 साल या 20 इयर्स तक होगा, 15 इयर्स, 18 इयर्स या 20 इयर्स तक हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है। जैसे समझो मेरी फिंगर कट गई तो अब दूसरी फिंगर नहीं आ सकती है, तो एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है, इट इज अप टू सर्टेन एज, ये कुछ एज तक ही होता है एनिमल्स के अंदर। दूसरा देखो कि जो यूनिसेल्यूलर जो ग्रो करते हैं, यूनिसेल्यूलर जो ग्रोथ करते हैं वो भी सेल डिवीजन से करते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो कि अमीबा का हम एग्जांपल लेते हैं, तो अमीबा फ्यूजन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रो करता है अमीबा भी। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, तो ग्रोथ इज अ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग जो जिंदा होगा वो ग्रो करेगा, जो नॉन लिविंग है वो ग्रो नहीं करेगा। अब जैसे देखो बेटा यहाँ पे कुछ डाउट है, यहाँ पे कुछ डाउट है। जैसे एग्जांपल अगर हम देते हैं कि समझो
कि आपके घर के बाहर या तो समझो कि आपके जो गांव है या सिटी है वहां पे आप रहते हो और वहां पे आपका कुछ गार्बेज है। ये गार्बेज का मतलब इतना गार्बेज है। अब लोग कचरा डाल रहे हैं, आज आपने देखा ये गार्बेज इतना है, लोग कचरा डाल रहे हैं, कल उठ के ये जो गार्बेज हो गया ना वो इतना हो गया, मतलब इसकी साइज बढ़ गई ना, बायोमास इंक्रीज हुआ ना। तो अगर सिर्फ हम इंक्रीज ऑफ बायोमास लेते हैं तो गार्बेज भी तो इसकी भी तो साइज बढ़ती है, तो क्या हम इसको लिविंग बोलेंगे? ये भी तो ग्रो ही कर रहा है ना, तो क्या हम इसको लिविंग बोलेंगे? तो नहीं, बिकॉज यहां पे गार्बेज का जो हीप है, गार्बेज का जो हीप है वो ग्रो करता है बट एक्सटर्नल करता है बेटा, एक्सटर्नल होता है कि लोग बाहर से कचरा डालते हैं ना, इसके लिए वो जो कचरे का ढेर है ना वो बड़ा हो रहा है, कचरे का ढेर बड़ा हो रहा है, लोग कचरा डाल रहे हैं जबकि हमको नहीं डालना चाहिए कचरा, प्रॉपर उसका डिस्पोज करना चाहिए। तो लोग कचरा डाल रहे हैं, इसके लिए वो जो कचरे का जो क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, बराबर, तो कचरे का जो ढेर है ना वो साइज में बड़ा हो रहा है बट वो एक्सटर्नल, जबकि हमारे अंदर लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है बेटा, इंटरनल। ऐसा नहीं है कि मैं हड्डियां लगा के मतलब मेरी हाइट बड़ी कर सकता हूं, नहीं, हमारे अंदर लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है, इंटरनल, ये याद रखना है आपको। सो ग्रोथ इज इंटरनल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर इज इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस के नॉन लिविंग थिंग इट इज एक्सटर्नल। तो ये एक ग्रोथ के बेस पे भी आप लिविंग को और नॉन लिविंग को अलग कर सकते हो। नेक्स्ट कैरेक्टर हम बेटा देखते हैं कि ऐसा दूसरा कौन सा कैरेक्टर है कि जिसके बेस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। तो सेकेंड जो हमारा कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ये जो कैरेक्टर है बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, बिकॉज इस कैरेक्टर के बेस पे ही हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएटेड करते हैं, लिविंग को नॉन लिविंग से हम डिफ्रेंशिएटेड करते हैं। मार्कर पेन गिर गई है। नाउ अब देखो कि रिप्रोडक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, रिप्रोडक्शन मींस व्हाट, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस के प्रोजेनी विच इज लेस और मोर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेनी। ये जो प्रोजेनी होता है ये कुछ हद तक कम या ज्यादा बट अपने पेरेंट जैसा होगा, जबकि नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अगर हम हमारा एग्जांपल लेते हैं तो हमारी शादी होती है, फिर हम हमारे जैसे दूसरे बच्चे को पैदा करते हैं, मींस के हम बच्चे को पैदा करते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं। मैंगो जो है वो मैंगो जैसे दूसरे प्लांट को राइज करता है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वेयर इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे एग्जांपल मैं बार बार बता रहा हूं कि जैसे समझो ये मार्कर पेन है, तो ये मार्कर पेन, इसकी शादी होगी दूसरे मार्कर पेन के साथ, समझो कि ये दूसरी मार्कर पेन है, ये दोनों शादी करेंगे, ऐसा होगा नहीं। शादी करने के बाद ये लोग कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे और दूसरी मार्कर पेन पैदा हो जाएगी कि ये मार्कर पेन पैदा हो गई, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है बेटा। लिविंग ओनली लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये कभी भी दूसरा व्हाइट बोर्ड पैदा नहीं कर सकता बेटा, नहीं कर सकता, क्योंकि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस। सो रिप्रोडक्शन इज अ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स We can differentiate living organism from non-living organism. अब ये जो reproduction होता है बेटा ये दो तरह का होता है, reproduction आपका दो तरह का होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे reproduction chapter के अंदर। तो reproduction हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हमारा sexual reproduction और दूसरा होता है हमारा बेटा asexual reproduction।
asexual reproduction. So there are two types of reproduction. So in the detailed study, we will study in the detail. डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है. अब देखो बेटा कि क्या ओनली रिप्रोडक्शन इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफाइन लिविंग थिंग्स. नो, अगर हम सिर्फ रिप्रोडक्शन को कैरेक्टर लेते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस डिफाइन नहीं कर सकते. अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो कि भाई रिप्रोडक्शन यूनिक कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कभी आप बोल रहे हो कि ओनली रिप्रोडक्शन इज नॉट अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक टू डिफाइन लिविंग थिंग्स. सो अब कहना क्या चाहते हो बरबा, आप कहना क्या चाहते हो, वो हम होता है ना यूट्यूब पे भाई कहना क्या चाहते हो, वैसा है थ्री इडियट जैसा. तो देखो बेटा, आप देखो कि हमारी सोसाइटी में, हम जिस फ्लैट में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज का हम पार्ट है, जिस कंट्री में हम रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में, हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कभी भी शादी नहीं करते, तो वो तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि वो मैरिज नहीं कर रहे तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये तो रिप्रोड्यूस नहीं करता है. जैसे एग्जांपल ले लो कि भाई हमारी सोसाइटी में एक बंदा है, ये समझो कि हमारी सोसाइटी में ये एक बंदा है, ये इसने ठान लिया है कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है, बराबर, मुझे शादी नहीं करनी है. तो ये शादी नहीं करेगा तो बच्चा नहीं पैदा होगा, तो क्या फिर हम इसको लिविंग नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, बिकॉज ओनली रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टर्स टू डिफाइन लिविंग थिंग. बराबर. अब जैसे देखो एग्जाम्पल ले लो कि भाई हमारे सोसाइटी या हमारे समाज में या हमारे फैमिली में कुछ ऐसे कपल है कि भाई जिन जो बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, बराबर, कि समझो ये गर्ल है और ये बॉय है, तो हस्बैंड और वाइफ है, तो शायद मतलब कि कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हस्बैंड में हो सकता है, कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाइफ में हो सकता है, या तो दोनों में हो सकता है, और ड्यू टू दिस प्रॉब्लम दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो क्या हम इनको लिविंग नहीं बोलेंगे? जो फर्टाइल होंगे वो लिविंग है, जो स्टराइल है दे आर नॉट लिविंग. नो, दिस इज नॉट अ बेसिक कैरेक्टर. हाँ, ये एक कैरेक्टर है लिविंग को डिफाइन करने के लिए, कैरेक्टर आप ले सकते हो, बट ओनली रिप्रोडक्शन के बेस पे आप लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर सकते. तो सेकेंड कैरेक्टर बेटा हमारा क्या हो गया, रिप्रोडक्शन. बट हाँ, कोई भी नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले लो हाइड्रा है, तो हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, मींस के बडिंग के थ्रू हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है. प्लेनेरिया में अगर आप देखोगे, प्लेनेरिया भी हमारा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो प्लेनेरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है. कौन सी मेथड से होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है. अम्बीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन के थ्रू होता है, एज यू नो, बराबर, तो वो फिजन के थ्रू होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट कभी भी कोई नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा. चलो, तो सेकेंड कैरेक्टर हो गया हमारा रिप्रोडक्शन. सॉरी, थर्ड कैरेक्टर है बेटा हमारा कॉन्सियसनेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉन्सियसनेस. का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉन्सियसनेस? कॉन्सियसनेस का मतलब यह होता है कि समझो कि आप एसी चेंबर में बैठे हो जहां का टेम्परेचर है 20 डिग्री या तो 15 डिग्री है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? सीवरिंग करने लगेगी, ठंडी लगने लगेगी, हम अब ध्रुजने लगते ऐसे, बराबर. तो ये हमारी बॉडी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल स्टिमुली है, उसके सामने रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्स करती है. जैसे समझो यहां पे थोड़ी गर्मी है तो मेरी बॉडी परस्पिरेशन करेगी, रिस्पॉन्स करेगी. ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये जो एक्सटर्नल स्टिमुली है, इसके सामने रिस्पॉन्स करेगी, जबकि ये बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगा. इसमें पसीना नहीं होगा या इसके अंदर सीवरिंग नहीं होगा बेटा, नहीं होगा. जैसे एग्जाम्पल आप दूसरा देख लो कि आप एसी चेंबर में से बाहर जाते हो, घर के बाहर जाते हो, और
कड़क धूप है बेटा, बहुत टेम्परेचर हाई है, 48 डिग्री टेम्परेचर है, 45-48 डिग्री टेम्परेचर है। हमारे अहमदाबाद में कॉमन होता है 45 डिग्री इज अ कॉमन टेम्परेचर ऑफ अहमदाबाद। सो 45 डिग्री है। अब क्या होता है, आप जैसे ही जाते हो ना पसीना पसीना हो जाते हो, बरोबर। पसीना पसीना मतलब हमारे बॉडी में से पसीना निकलने लगता है। ये हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसके सामने हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुली अकरिंग ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्सियसनेस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सियसनेस। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्टिमुली अकरिंग ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, बरोबर। बाय फिजिकल मेथड, बाय केमिकल मेथड या बाय बायोकेमिकल मेथड। हमारी जो बॉडी है या तो वो फिजिकली रिस्पॉन्स करेगी या केमिकली रिस्पॉन्स करेगी या बायोकेमिकली रिस्पॉन्स करेगी। तो ये जो कॉन्सियसनेस है इट इज अ वेरी यूनिक या तो इट इज अ वेरी वेरी पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग में कभी भी नहीं होता है। तो कॉन्सियसनेस के बेस पे भी आप लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हो। जैसे मुझे पसीना होता है, मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं, बरोबर, बिकॉज आई एम अ लिविंग। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पसीना परस्पिरेशन नहीं हो रहा है, सीवरिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग। तो कॉन्सियसनेस इज अ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टर्स है बेटा वो है हमारा रेस्पिरेशन। फोर्थ नंबर की जो हमारी, हम बेटे ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर है बट यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लेते हैं जो आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर सुनो, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मींस व्हाट? तो रेस्पिरेशन मींस ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लाइक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज। सो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय ब्रेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कौन सी प्रोसेस है? विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स के ऑक्सीडेशन इन द सेल, सेल के अंदर। मतलब जैसे आप देखो बेटा उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, एंड उसमें से जो एनर्जी यूज होते हैं, एनर्जी जो रिलीज होती है उस एनर्जी को ऑर्गेनिज्म स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में उसको स्टोर कर देता है। मीन्स के यहाँ पे देखो कि जो आपने ग्लूकोज लिया है, मतलब कि आपने खाना खाया, वो खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? हमने टेंथ में पढ़ा हुआ है, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन हो गया और ग्लूकोज बन गया। तो ये समझो हमारा सेल है। अब ये जो ग्लूकोज बना C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड के थ्रू हर सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो यहां पर आपका ग्लूकोज पहुंच गया C6H12O6। अब आपने लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिजोल्व हो गया, वो भी हम ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड 11th का जो 5th यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहां पे हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल के पास पहुंच गया, मतलब यहां पे अब ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन तोड़ेगा और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी, उसमें से जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी उस एनर्जी को हमारी बॉडी एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर देती है। इसके लिए हम एटीपी को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जब भी वेन एवर सेल रिक्वायर्ड एनर्जी, एटीपी रिलीज एनर्जी, एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा, देयरफॉर एटीपी इज कंसीडर एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल।
सो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है। कभी आपने देखा है कि कोई मतलब ये जो चौक है ये खाना खाएगी, फिर ग्लूकोज बनेगी, फिर ये लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेगी, देन कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी, अब वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी यूज करेगी और ये बड़ा होगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। नॉन लिविंग कभी भी रेस्पिरेशन नहीं करता है, नॉन लिविंग कभी भी रेस्पिरेशन नहीं करता है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो पेक्यूलर कैरेक्टर। सिर्फ रेस्पिरेशन के बेस पे भी आप लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बेटा, नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर का जो कैरेक्टर आएगा, सो फिफ्थ नंबर का जो हमारा कैरेक्टर है वो है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस, सो नाउ व्हाट इज होमियोस्टेसिस बेटा? ये जो वर्ड है ना होमियोस्टेसिस बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी, क्योंकि पूरे साल दो साल तक आप पढ़ोगे होमियोस्टेसिस 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 मीन्स, बट व्हाट इज होमियोस्टेसिस, क्या है होमियोस्टेसिस, क्या है होमियोस्टेसिस? सो होमियोस्टेसिस एक प्रोसेस होती है। जैसे देखो बेटा, मैं पहले समझाता हूं आपको कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, बिकॉज वी आर अ पॉइक्यूलोथर्मिक एनिमल्स, मीन्स के वी आर अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो मेमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि भाई हम हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन रखते हैं। हम हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है मीन्स कि हमारा जो इंटरनल जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट बरोबर, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली 36.7 डिग्री सेल्सियस। हमारी जो बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो 36.7 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप समझो कि कहीं पे चले गए जहां पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा 36.7 डिग्री सेल्सियस। कहीं पे बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, बट आपकी बॉडी का 48 डिग्री नहीं होता है ना, तो प्रोटीन हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है ना वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे प्रोटीन, बराबर? सो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा प्रोटीन का, तो नाउ मतलब ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी की एक सिस्टम है। हमारी बॉडी जो होती है मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक सिस्टम होती है विच मेंटेन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी का पीएच जो होता है, पीएच भी हमारे बॉडी का मेंटेन रहता है, इसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस मीन्स के एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टेंट इंटरनल टेम्परेचर बाय द प्रोसेस कॉल्ड होमियोस्टेसिस ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर होता है। तो इट इज ऑल्सो पेक्यूलर कैरेक्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ होमियोस्टेसिस यू कैन डेफिनेटली डिफ्रेंशिएटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हो, सही है? तो बेटा होमियोस्टेसिस और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मेटाबोलिज्म। लास्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड मेटाबोलिज्म। नाउ व्हाट इज मेटाबोलिज्म क्या है मेटाबोलिज्म? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबोलिज्म करता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबोलिज्म होता है। अब ये क्या है मेटाबोलिज्म, क्या है बार बार आ रहा है मेटाबोलिज्म, व्हाट इज मेटाबोलिज्म, क्या है मेटाबोलिज्म? सो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है, हमारे बॉडी के अंदर हजारों तरह के केमिकल रिएक्शन बेटा होते रहते हैं। आप पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, सो रहे हो, दौड़ रहे हो, जाग रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होते रहता है। तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो सारे केमिकल रिएक्शन का जो हम टोटल करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उसको हम बोलते हैं टोटल, सॉरी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मींस सम टोटल्स ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म।
वापस अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. सो सम टोटल्स ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म आपका दो तरह का होता है कि जैसे कि मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू, ये नीट में पूछा जाता है बेटा, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबोलिज्म, प्लस एनाबोलिज्म, प्लस एनाबोलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी एनाबोलिज्म होता है, जो भी कैटाबॉलिज्म होता है, उन सब का जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डे टू में हम एनाबोलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है एंड व्हाट इज एनाबोलिज्म, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर डे टू देखना मत भूलिए बेटा. सो ये जो छह कैरेक्टर है, दीज आर सिक्स कैरेक्टर्स. ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, जैसे इवोल्यूशन है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कैरेक्टर है, बट हमने यहाँ पे मेन मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात की जिससे वीडियो लेक्चर लंबा ना हो जाए. तो ये छह कैरेक्टर्स है जो बेटा आपको याद रखना है. तो बेटा आज हमने क्या देखा, चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड डे वन के अंदर आज हमने देखा व्हाट इज लाइफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा. सो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप मुझे प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट योर सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल. अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल टॉपर्स बायोलॉजी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग, और बेटा पढ़ते रहिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए. मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक बाय. ओके.